है हमारे साथ जनता दल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी जी मौजूद हैं, आदरणीय SDM साहब मौजूद हैं। पिछली बार भी एक दिन का सांकेतिक धरना यहाँ पर धरा गया था और 20 तारीख में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के लिए वो लोग गए थे। अरविंद त्रिवेदी जी जो PGI के डीन हैं, उन लोगों ने उनका दौरा नहीं करने दिया था उनको, और समस्या उन्होंने नहीं बताई थी, रीजन नहीं बताया था, जबकि अग्रिम सूचना वो लोग दे चुके थे। अभी SDM महोदय से जानेंगे, ये सवाल उन लोगों ने किया था जो डीन साहब हैं, उन्होंने कहा था कि DM साहब से ये सवाल करें आप या SDM साहब से सवाल करें, परमिशन क्यों नहीं मिली PGI का दौरा करने के लिए। सर, सुविधा से वंचित जनता है और प्रताड़ित जनता है, और जनता दल संगठन के लोग जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाते हैं, और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो उनको दौरा तक नहीं करने देते हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, वो सिर्फ जानना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? जनता दल संगठन की ओर से प्रेषित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संबोधित है, जिस समस्याओं के समाधान हेतु आज ही प्रेषित कर दिया जाएगा। श्रीमान, पिछली बार भी आपकी ज्ञापन इन लोगों को दिया गया था? मेरी जानकारी में नहीं था कुछ, उम्मीद आप मेरे स्तर का कुछ नहीं है, जो शासन स्तर का है, जिलाधिकारी महोदय जी स्तर का है, उन्हें अपना तरह दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फिर जानना चाहेंगे इस आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं वो लोग, और PGI का दौरा करेंगे सर आप? देखिए, PGI का दौरा करने तो हम लोग 20 अक्टूबर को गए ही थे, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से या PGI की तरफ से हमें वहाँ पे इजाज़त मिली ही नहीं है, अनुमति मिली नहीं है, तो वहाँ जाकर कोई लाभ नहीं है। हम लोगों ने ये बात आप लोगों के माध्यम से इसलिए बताई है, आम आदमी के माध्यम से इसलिए बताई है, इस मंच के माध्यम से इसलिए बताई है, ताकि आम आदमी को भी अपनी परेशानी के बारे में पता लगे कि भाई PGI में बहाल होने की क्या ज़रूरत है। एक महीना पहले सांकेतिक धरना रखा गया था सर धरना स्थल पर, दूसरी बार सांकेतिक धरना रखा गया, दूर दराज से महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं, अगली रणनीति क्या रहेगी सर आपकी, क्या धरने करते रहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो हमने पहला जो सांकेतिक एक दिन का धरना रखा था वो 25 सितंबर को रखा था 2021 में, अभी हमारा ये आज 25 अक्टूबर एक महीना बाद हमारा ये दूसरा सांकेतिक धरना एक दिन का, अभी हमने वो बात बता ही दी है और मंच के माध्यम से जनता दल संगठन ने वो बात रख दी है कि एक दिन का सांकेतिक धरना नहीं होगा। अगर जिम्मेदार साथियों ने ये आश्वासन दिया है इस मंच के माध्यम से कि PGI के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ताला मारेंगे PGI को? नहीं, देखिए, हम PGI को ताला नहीं मारेंगे, क्योंकि एक चिकित्सालय बना हुआ है, PGI है, अगर वहाँ ज़्यादा नहीं थोड़ा जो भी इलाज हो रहा है चल रहा है, ऐसी बात नहीं, जो भी दवाइयाँ मिल रही है, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो जनता दल संगठन अस्थायी रूप से धरना देने के लिए विवश होगा, और धरना जो होगा इस बार हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना नहीं होगा, इस बार हम PGI के बाहर ही अम्बाला रोड पर वहीं पर बैठ करके प्रमाण धरना रखेंगे, और तब तक धरना चालू रहेगा जब तक सरकार जिला सहारनपुर वासियों की समस्या के बारे में नहीं सोचती, जब तक PGI की बहाली में बारे में सरकार नहीं सोचती। अपने सहयोगी प्रीतम सिंह जी के साथ आस मोहम्मद, बने रहे नाम एक्सप्रेस न्यूज के साथ।